हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको बेस्ट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करा रही हूं। जैसे कि बीपीएससी 2023 टीजीटी का एग्जाम जल्द ही नवंबर के अंत तक हो जाएगा, जैसा कि बिहार या स्टेट का रिजल्ट भी जल्द ही एक दो दिन के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ सभी चीज़ों को कवर कराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मस्कुलर सिस्टम का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैं सेल यानी कोशिका से रिलेटेड कंप्लीट कर दी हूँ। ये केवल बीपीएससी यानी कि बिहार टीजीटी के लिए ही नहीं है, एंड अदर स्टेट के सभी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे यूपी एलटी हो, चाहे उत्तराखंड एलटी हो, चाहे ईएमआरएस हो, चाहे एमपी का खेल शिक्षक वर्ग 2-3 हो, चाहे केवीएस एनपीएस हो, यूजीसी नेट हो, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को डेली बेसिस से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके पास बीपीएससी के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि सबसे पहले यही एग्जाम लेगा। तो डेली बेसिस से मेरे साथ बने रहिए और अपना सेल्फ स्टडी भी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको महान बना सकती है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि मांसपेशी कोशिका को कहा जाता है, व्हाट इज ए मसल सेल कॉल्ड। तो मांसपेशी कोशिका को कहा जाता है मसल्स फाइबर, यानी कि मांसपेशी तंतु। जैसे कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका, उस तरह मांसपेशी की सबसे छोटी इकाई यानी कि कोशिका को कहते हैं मांसपेशी तंतु, यानी मसल्स फाइबर। छोटे छोटे मसल्स फाइबर, पतले पतले फाइबर से मिलकर के मांसपेशी कोशिका बनती है। तो इसे मसल्स फाइबर, मांसपेशी तंतु कहा जाता है, जिस जो आमतौर पर इसको मायोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है, और जो मस्कुलर टिश्यू की बनी है। जैसे कि आप जानते हैं, मस्कुलर टिश्यू 3 प्रकार की होती है, कंकाल मांसपेशी यानी रेखित मांसपेशी, एंड दूसरा अरेखित पेशी जिसे हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, और तीसरा कार्डियक मसल्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आघात जो मांसपेशियों के तंतुओं के अतिवृद्धि और फाड़ के कारण एक मांसपेशी के कारण होती है, यानी कि कंक्लूजन इज ए दैट इज कॉज्ड टू ए मसल्स ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ द मसल्स फाइबर, यानी कि जो ओवर ट्रेनिंग होता है उसके कारण, एंड मांसपेशियों के तंतुओं के अतिवृद्धि के कारण जो एक मांसपेशी में खिंचाव आता है, आघात होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया है, स्ट्रेन और स्प्रेन दो में से एक जरूर पूछा जाता है बार बार, यानी कि मांसपेशी या टेंडन की चोट जहां भी कहे वहां आपका हो जाएगा स्ट्रेन, यानी कि खिंचाव या तनाव। जब लिगामेंट की चोट आए की बात करें तो वहां पे मोच यानी स्प्रेन हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, मांसपेशी तंतु की बात कहा है अधिक तनाव के कारण, तो यहाँ पे स्ट्रेन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, तनाव या खिंचाव हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्ट्रेन बोलेंगे। लिगामेंट की चोट कहेगा तो मोच यानी स्प्रेन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकुंचन और अनुशीथलनीय दोनों प्रकार के रक्तचाप को इस कार्यक्रम की मदद से मामूली स्तर तक काम किया जा सकता है, यानी बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैन बी रिड्यूज टू मॉडरेट लेवल विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम। यानी जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों प्रकार के जो ब्लड प्रेशर होता है, किस कार्यक्रम की मदद से उसको मामूली स्तर तक कम किया जा सकता है। तो वह राइट आंसर है एरोबिक टाइप एक्सरसाइज, एरोबिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज यानी वायवीय प्रकार के व्यायाम के द्वारा। वायवीय प्रकार के व्यायाम जो इंडोरेंस डेवलप आपको करता है, ज्यादा समय जो क्रियाएं होती हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती हैं, उसे कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या नियमित व्यायाम का मांसपेशी तंत्र पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है।
यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज ऑन द मस्क्यूलर सिस्टम, यानी कि जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा वो प्रभाव नहीं है। तो जब हम डेली बेसिस पर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है, उसकी बढ़ोतरी होती है और शरीर की कुल और आपेक्षिक चर्बी में कमी होती है, यानी रिड्यूक्शन इन टोटल एंड रिलेटिव बॉडी फैट, रिडक्शन यानी कि कमी होती है चर्बी में, कमी कभी चर्बी में बढ़ोतरी नहीं होती है, याद रखिएगा। एंड प्रति फाइबर कोशिका घनत्व में बढ़ोतरी, यानी कि इंक्रीज इन सेल डेंसिटी पर फाइबर, ये भी आपका होता है। बट मायोग्लोबिन सामग्री में कमी नहीं होती है, बढ़ोतरी होती है, यानी डिक्रीज इन मायोग्लोबिन कंटेंट, इसमें डिक्रीज नहीं होती है, इंक्रीज होती है, बट यहाँ पे डिक्रीज दिया है यानी कमी दिया है मायोग्लोबिन में, यहाँ पे यही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि यही आपका डेली एक्सरसाइज जो होता है उसका प्रभाव नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों के उस प्रकार को बताइए जो शरीर के गति करते समय संकुचित होती है, यानी नेम ऑफ द टाइप ऑफ मसल्स विच कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द बॉडी मूव्स, यानी कि गति करते समय जब मांसपेशी संकुचित होती है उस मांसपेशी को हम कहा कहते हैं, तो उस स्थिति को हम कहते हैं एगोनिस्ट, यानी कि जो मांसपेशी गति करने में या कंट्रैक्ट करने में मुख्य भूमिका अदा करती है उसे कहते हैं एगोनिस्ट, और जो उसके विपरीत भूमिका अदा करती है उसे कहते हैं एंटागोनिस्ट। एंड न्यूट्रलाइजर क्या होता है, न्यूट्रलाइजर का मतलब ये होता है कि मांसपेशी जो है कोई भी अनावश्यक गति नहीं करती है, जब हम हाथ को फ्लेक्शन कर रहे हैं तो उस समय वो सुपाइनेशन नहीं होगा, यानी कोई भी अनावश्यक गति नहीं करती है। एंड स्टेबलाइजर क्या होता है, स्टेबलाइजर मतलब होता है चिपके रहना, यानी यहाँ पर पेशी दोनों सिरों पर हड्डी से चिपके रहती है जो पेशी को बल लगाने में सहायक होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी तंतु का निर्धारण किया जाता है, हाउ इज मसल्स फाइबर टाइप डिटरमाइंड, तो मांसपेशी तंतु का निर्धारण किया जाता है कि ये मांसपेशी तंतु किस प्रकार का है, किस टेक्निक के द्वारा, तो यह होता है आपका बायोप्सी द्वारा, किसके द्वारा, बायोप्सी टेक्निक के द्वारा मांसपेशी तंतु के प्रकार का निर्धारण किया जाता है। एंड नेक्स्ट है, मांसपेशी संकुचन से संबंधित नहीं है, तो मांसपेशी संकुचन से संबंधित कौन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है, तो मांसपेशी में फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड यानी कि कंट्रैक्शन होता है एंड फ्लेक्शन होता है एंड आपका यानी कि मांसपेशी छोटा होता है, कंट्रैक्ट होता है, लंबा होता है एंड इसेंट्रिक होता है, कंसेंट्रिक इसेंट्रिक और समान होता है। एंड इसमें आपका अवधि की बात नहीं है कि संकुचन अवधि, शिथिलन अवधि, अव्यक्त अवधि, यहाँ पे इसमें से कोई नहीं है आपका, ठीक है,
मांसपेशी संकुचन कितने प्रकार का होता है, जैसे कि आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आप देखे ही हैं। आइसोमेट्रिक में जो मांसपेशी की लंबाई होती है सेम रहती है, आइसोटोनिक में क्या होता है कि लंबाई घटती बढ़ती है, जैसे कंसेंट्रिक इसेंट्रिक दो प्रकार का होता है। आइसोटोनिक कंसेंट्रिक में मांसपेशी की लंबाई छोटी होती है, इसेंट्रिक में मांसपेशी की लंबाई बढ़ जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों के उत्तकों में कितने परसेंट जल पाया जाता है, हाउ मच परसेंट वाटर इज फाउंड इन मसल्स टिश्यू। तो मांसपेशी टिश्यू में दोस्तों 75% जल पाया जाता है, कितना 75%। और जब आपको पूछेगा वसा उत्तक में कितना यानी एडिपोज टिश्यू में कितना होता है, तो 10% जल होता है। अब मांसपेशी उत्तकों में 75% जल पाया जाता है। शरीर के पानी की सही मात्रा सुनिश्चित करना द्रव संतुलन का एक हिस्सा होता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोमेट्रिक अभ्यास हुआ है जिसे मांसपेशियों की लंबाई होती है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज वन इन विच द मसल्स लेंथन, यानी कि मांसपेशी आइसोमेट्रिक अभ्यास हुआ है जिसे मांसपेशियों की लंबाई क्या होती है, आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लंबाई, यानी कि सेम लंबाई। तो आइसोमेट्रिक में जो मांसपेशियों की लंबाई होती है वो एक समान होती है, यानी कि सेम होती है। इसमें जो समानता मोमेंट होता है वो दिखाई नहीं देता, और मांसपेशियों का एक समूह दूसरी मांसपेशियों के समूह के विरुद्ध तनाव पैदा करती है। इसमें कार्य होता हुआ दिखाई नहीं देता, जैसे दीवार को धक्का मारना। जबकि आइसोटोनिक में क्या होता है कि मसल्स की लंबाई और लंबाई घटती बढ़ती रहती है। आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव, यानी सेम तनाव होता है, लंबाई घटती बढ़ती रहती है। कंसेंट्रिक इसेंट्रिक दो प्रकार का होता है, कंसेंट्रिक में लंबाई घटती है, जैसे डंबल का अभ्यास कर रहे हैं, जब ऊपर की तरफ लाएंगे तो लंबाई घटेगी, कंसेंट्रिक होगी, नीचे की तरफ ले जाएंगे तो लंबाई बढ़ेगी, इसेंट्रिक होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछली जांघ की मांसपेशी कहलाती है। तो दोस्तों जांघ के सामने क्वाड्रिसेप्स मसल्स है जो चार पेशियों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से क्वाड्रिसेप्स, कौन कौन से चार पेशियों से मिलकर बना होता है, जैसे रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस, इन चार पेशियों से मिलकर बना होता है हमारा जांघ के ऊपर जो होता है क्वाड्रिसेप्स मसल, जो हमारे यहीं पे को मोड़ने और घुटने का विस्तार करने में काम आता है। जबकि घुटने जांघ के पीछे कौन सी होती है, वो होती है हैमस्ट्रिंग मसल्स। यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द मसल्स ऑफ द बैक थाई, यानी जांघ के पीछे कौन सा होता है, हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं। तो हैमस्ट्रिंग मसल्स भी तीन पेशियों से मिलकर बना है, एक होता है रेक्टस फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनियस, सेमी टेंडेनियस, इन तीन पेशियों से मिलकर बना है, जिसका काम है घुटने को मोड़ना। क्या काम है, हिप का विस्तार करता है, घुटने को मोड़ता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी शब्दों में मांसपेशी खिंचाव कहलाता है। तो मांसपेशी खिंचाव की बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्वेत मांसपेशी तंतु कौन से प्रदर्शन हेतु बेहतर होते हैं, यानी विच परफॉर्मेंस टाइप और व्हाइट मसल फाइबर बेटर फॉर। तो श्वेत मसल, जो व्हाइट मसल फाइबर होती है, जैसे मांसपेशी में दो प्रकार के तंतु होते हैं, रेड मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर। जो रेड मसल फाइबर होता है वो क्या होता है, स्लो ट्विस्ट फाइबर, यानी धीमा संकुचन होता है, और जबकि व्हाइट मसल फाइबर क्या होता है, फास्ट ट्विस्ट फाइबर, यानी कि जल्दी जल्दी संकुचन होता है। तो यहां पे कौन सा राइट हो जाएगा आपका, तेज संकुचन, तेज संकुचन यानी शार्प कंट्रैक्शन। नेक्स्ट है, मानव शरीर के वजन का कितना परसेंट वजन स्वैच्छिक मांसपेशियों का होता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट इज वॉलंटरी मसल्स।
तो जैसे कि हमारे शरीर के कुल भार का मांसपेशियों का भार 45% है, उस 45% में भी 40% भाग है कितना स्वैच्छिक मांसपेशियों यानी रेखित पेशियों का। यहाँ पे 40% आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है अस्थि मांसपेशी की संकुचनशील इकाई है तो कॉन्ट्रेक्टाइल यानी सिकुड़ा हुआ तत्व, तो सिकुड़ता कौन है एक्टिन, और एक्टिन यानी कि जो मायोफाइब्रिल होता है वो सिकुड़ता है। यहाँ पे मायोफाइब्रिल आपका राइट होगा यानी कि मांसपेशी तंतु मायोफाइब्रिल, जबकि संकुचन इकाई है मांसपेशी, अस्थि मांसपेशी की संकुचन इकाई बोलेगा तो सार्कोमियर हो जाएगा, ठीक है। असंकुचनशील बोला है कॉन्ट्रेक्टाइल, यहाँ यानी सिकुड़ा हुआ तत्व कौन है तो मायोफाइब्रिल। नेक्स्ट है काफ यानी पिंडली मांसपेशी का वैज्ञानिक नाम है यानी व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ काफ मसल्स, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा गैस्ट्रोनेमियस, जो हमारे पिंडली यानी घुटने के नीचे जो पैर होता है उसके पीछे जो उठा हुआ भाग होता है मसल्स का वो पिंडली यानी कि काफ मसल्स गैस्ट्रोनेमियस इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है वह पेशी जो सिर को घुमाती है द मसल्स दैट रोटेट द हेड, ऑप्शन है स्टेनोक्लेरोमस्टॉइड स्प्लेनियस कैपिटस लॉन्गिसिमस कैपिटस उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे दोस्तों सभी ये तीनों जो पेशियां हैं ये तीनों के तीनों सिर को घुमाने का काम करती हैं। तीनों को याद कर लीजिएगा, तीनों में से कोई भी नाम दिखेगा तो ऑप्शन करेक्ट कीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है उस मांसपेशी प्रोटीन को पहचानिए, यहाँ पे गलत हो गया है टाइपिंग में, उस मांसपेशी प्रोटीन को पहचानिए जो थिक फिलामेंट का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों हमारे मसल्स में आइडेंटिफाई द स्मूथ मसल्स प्रोटीन विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, उस मसल्स का नाम बताइए जो थिक फिलामेंट, यहाँ पे हमारे जो मांसपेशी होती है उसमें दो फिलामेंट होते हैं एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन जो होता है थिन यानी कि पतला होता है और जो मायोसिन होता है वो थिक यानी कि मोटा फिलामेंट होता है। और एक्टिन में दो प्रोटीन होता है ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन। तो यहाँ पे क्या बोला है उस मांसपेशी प्रोटीन का नाम बताइए जो थिक फिलामेंट का हिस्सा नहीं है, तो मायोसिन है, ठीक है, सी प्रोटीन है, यम प्रोटीन है, जबकि ट्रोपोमायोसिन नहीं है क्योंकि यह थिन फिलामेंट यानी कि एक्टिन का भाग है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोनेटर टेरेस मांसपेशियों का संबंध शरीर के किस अंग से है, प्रोनेटर टेरेस मसल इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी, तो प्रोनेटर टेरेस मसल्स जैसे कि आप इसको बहुत कम पढ़े होंगे, तो प्रोनेटर टेरेस मांसपेशियों का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो इसका संबंध है भुजा से यानी कि आर्म से, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी के निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी एक फेज नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी इज नॉट ए फेज, तो इसमें स्लाइडिंग फिलामेंट की कौन सी फेज नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि एक्शन पोटेंशियल आता है, उत्तेजना आती है, आवेग आता है हमारे मांसपेशियों में, तो हमारे मांसपेशी जो है कंट्रैक्ट होती है और उसका कंट्रैक्ट होने के बाद आराम अवस्था में आती है, तो उत्तेजना आता है, कंट्रैक्ट होती है, रेस्ट होता है, ये तीनों चीज़ें तो होता है बट आपका शिथिलीकरण नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जैसे कि स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत के 5 चरण होते हैं, विश्राम यानी रेस्ट, उसके बाद उत्तेजना जो एक्शन पोटेंशियल आता है, उत्तेजना संकुचन, उसके बाद संकुचन, फिर पुनर्भरण, फिर विश्राम। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा कौन सा नहीं है, तो आपका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी शिथिलीकरण, ठीक है, प्रोकॉस्टिनेशन। नेक्स्ट है मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहाँ होती हैं, वेयर आर द मोस्ट पावरफुल मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, तो कहाँ पे होती हैं,
जॉ यानी कि जबड़े में, जबड़े में जो मसेटर, निचले जबड़े की जो मसेटर मसल्स होती है वह शरीर की सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली यानी मजबूत मसल्स होती है। एंड सबसे छोटी मसल्स कान की स्टेपीडियस होती है। सबसे लार्जेस्ट मसल्स होती है, सबसे लंबी मसल्स सार्टोरियस जांग की। और सबसे बड़ी मसल्स होती है आपका ग्लूटियस मैक्सिमस, हमारे कुल्हे की, हिप की। एंड दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। एंड इसी तरह आप डेली बेसिस प्रैक्टिस करते रहिए और एक एक टॉपिक को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी जल्द से जल्द। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।